क्वेश्चन नंबर 8, नीचे के व्यवहारों पर से नितिन स्टोर्स जो कपड़ा का व्यापारी है उसकी बही में खानों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। नितिन स्टोर्स सूती, खादी और रेशम तीन प्रकार के कपड़े की खरीदी बिक्री का धंधा करता है। और हम 2015 मई पहला है। जानकी स्टोर्स को 100 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 40 के भाव से, तो 40 का गुणा 100 से करना है, 4000 आ जाएगा, उसमें 10% डिस्काउंट काटना है व्यापारी बट्टा। 200 मीटर खादी 20 के भाव से, ये भी 4000 हो जाता है। 50 मीटर 200 के भाव से रेशम कपड़ा है, इसका 10000 हो जाता है, 10% व्यापारी बट्टा से। साख की मुद्दत 3 माह से, बिल नंबर 125 है, इसका हम करते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, अलग अलग पार्टों से वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सके। तो तारीख है एक तारीख है, हम लिखेंगे यहाँ पर जानकी स्टोर्स खाता, जानकी स्टोर्स खाता, जानकी स्टोर्स खाता लिखते हैं। तो बिल नंबर इसने बोला था 125, तो 125 लिखते हैं, खाता प्रश्न नहीं लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 4000 हुआ था सूती कपड़ा में, और हम डिस्काउंट काटते हैं तो ये हमारा 3600 हो जाता है। इसमें भी 4000 हुआ था, इसमें 10% डिस्काउंट काटते हैं, यानी व्यापारी बट्टा काटते हैं, तो ये भी 3600 हो जाता है। और रेशम कपड़े में देखते हैं तो हमारे पास कितना है, तो ये 10000 का हुआ था, 10% डिस्काउंट काटते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9000। टोटल मारते हैं तो इसका टोटल हो जाता है 16200। दूसरी एंट्री देखते हैं तो यहाँ पर है 8वां, गोपी ट्रेडर्स को 200 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 60 के भाव से, तो 200 में इसका 12 इससे गुणा करेंगे तो 12000 हो जाएगा। और 80 मीटर रेशम प्रति मीटर 190 इसका गुणा करते हैं तो 15200 हो जाता है। 10% व्यापारी बट्टा से 2 मास के साग पर बेचा, उसको बिल नंबर 126 भेज दिया। गोपी ट्रेडर्स ने तुरंत आधी रकम नगद चुका दी, जो आधी रकम नगद चुकाई है हम लोग रोकड़ बही में लिखेंगे, बाकी का पूरे का एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 8 तारीख में हम लिखेंगे गोपी ट्रेडर्स खाता में बिल नंबर 126 है, और इसका डिस्काउंट काटते हैं तो कितना आ जाता है, 12000 में से 10% काटते हैं तो हमारे पास 10800 आ जाता है। खादी ने लिया है, रेशम लिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कितना करते हैं, 13000 डिस्काउंट व्यापारी बट्टा काट के हमारे पास होगा 13680, और इसका टोटल आ जाता है 24800, इसका टोटल 480 आता है, 24480 आता है। ओके, तो हम लोग 480 लिख देते हैं। अगली तारीख का देखते हैं, तो ये 15 तारीख है, निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी को 100 मीटर खादी और 50 मीटर रेशम क्रमशः 40 और 200 के भाव से बेची। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी ने 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से रकम चेक से तुरंत चुका दी है, बिल नंबर 127 है, पूरी रकम तुरंत चुका दी है, इसलिए ये रोकड़ बही में जाएगा, बराबर। क्योंकि ये उधार अपने इसमें उधार बिक्री होती है तो उसमें एंट्री करते हैं, तो इसमें एंट्री होगी नहीं। अब 20वां देखते हैं, प्रति स्टोर्स ने 40 मीटर खादी 60 मीटर सूती कपड़ा और 100 मीटर रेशम कपड़ा भेजने का आदेश दिया है, इसलिए ये बिना आर्थिक व्यवहार हो गया है। बिना आर्थिक व्यवहारों का हम लोग बिक्री बही में एंट्री करेंगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं 22 तारीख का, तो 22 तारीख का प्रीति स्टोर का बिल नंबर 128 के अंतर्गत आदेश अनुसार माल क्रमशः 30 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर और 220 रुपये प्रति मीटर के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से भेज दिया है। यहाँ पर आदेश दिया था तो हमने जो भेजा है वो, तो ये है खादी 30 रुपये प्रति मीटर और ये है 60 मीटर सूती कपड़ा कितने रुपए के भाव से, 50 के भाव से, ये 100 मीटर 220 के भाव से रेशम का कपड़ा भेजा है, 10% व्यापारी बट्टा हमको काट के फिर गणना करके हम करते हैं एंट्री। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 22 तारीख का, 22 तारीख में है हमारे पास प्रीति स्टोर्स
खाता, बिल नंबर 128 है, हम लोग इसमें लिखते हैं 2700 यहाँ पर होता है डिस्काउंट काट के, उसमें अभी पहले मैंने बताया था उसके अनुसार करते हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1080 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 19800 आ जाता है, टोटल मारते हैं तो 23580 आ जाता है। अब हम अगली तारीख का देखते हैं, तो यहाँ हम जाते देखते हैं 26 तारीख का, देसाई एंड कंपनी को 15000 का सूती कपड़ा 10% व्यापारी पट्टा से बेचा, बिल नंबर 129 है। लिखते हैं 23 तारीख का देसाई एंड कंपनी का, लिखते हैं देसाई एंड कंपनी खाता, बिल नंबर है 129, तो 15000 का 10% डिस्काउंट काट के हमारे पास आ जाता है 13500 आ जाता है, और सिर्फ सूती कपड़ा ख़रीदा है इसलिए हम लोग यहाँ पर 13500 ही लिख देते हैं। अगला देखते हैं, अगला है DCM स्टोर्स को 20000 की खादी 5% व्यापारी भट्टा से 18% बसेक जोड़कर बिल नंबर 130 भेज दिया है, तो यहाँ पर बसेक का लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ लिखते हैं तारीख है 30, DCM स्टोर्स खाता बराबर, DCM स्टोर्स खाता कितना लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये हमारा है 130, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 20000 का है, तो 20000 में 10% काटते हैं, उसमें से कितना परसेंट काटने के लिए बोला है तो देखते हैं, 5% व्यापारी भट्टा बोला है तो 5% काट देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 19000 आ जाएगा, और बसेक हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि बसेक का खाना अलग से बनाना पड़ता है, इसमें बना हुआ नहीं है, तो यहाँ 19000 आ जाएगा बराबर, 19000 इसमें आएगा खादी लिया सॉरी, तो खादी में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ भी 19000 लिख देते हैं, सबका टोटल मारते हैं तो इसका टोटल आ जाता है 30600, और इसका टोटल आता है 23680, और इसका टोटल आया जाता है 42480, और इसका टोटल आता है 96760 इसका टोटल आ जाता है बरवा, ये इसका इनका टोटल लिखा हुआ है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।